आज हम बात करेंगे महाछत्रप राजनीति के गुणवाना गणतंत्र पार्टी सुप्रीमो हीरा सिंह मरकाम की, उनके पलायन की। मगर आग्रह यह कि हमारे सेशन को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें। छत्तीसगढ़ की राजनीति के महाछत्रप कहे जाने वाले हीरा सिंह मरकाम के पलायन की चर्चा आज गली कूचे से लेकर राजनीतिक छितिज पर हो रही है। यह पलायन परिणाम है 2018 विधानसभा के चुनाव का। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुप्रीमो हीरा सिंह मरकाम राजनीति के छितिज पर आज अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, मगर चुनावी परिणाम बड़े ही कष्टकारी दुखद आए हैं। यही कारण है कि हीरा सिंह मरकाम, जो शायद इस चुनाव में राजनीति के शिखर पर होते, इस बार पतन की ओर चले गए और एक भी उनका विधायक चुनकर विधानसभा नहीं पहुंच सका। परिणाम स्वरूप हुआ यह कि हीरा सिंह मरकाम अवसाद में चले गए हैं। यह मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने यह जानकारी आज जारी की है कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे जा रहे हैं और उन्होंने मन बना लिया है। हीरा सिंह मरकाम के राजनीतिक पलायन की चर्चा करते हुए हम आपको इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे कि जिस ढंग से राजनीति में जो ऊंचाई वे चाहते थे अपनी पार्टी को देना नहीं दे पाए, और आज राजनीतिक रूप से जो पतन की स्थिति बनी उससे अवसाद की स्थिति आ गई है। मगर जब हमने ग्राउंड पे लोगों से चर्चा की तो यही निष्कर्ष सामने आए हैं कि दादा हीरा सिंह मरकाम को राजनीति के हाशिए पे नहीं जाना चाहिए, उन्हें किसी भी हालात में पलायन नहीं करना चाहिए, पार्टी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तथ्य यह भी सामने उभर कर आए हैं कि अगर दादा हीरा सिंह राजनीति से पलायन करेंगे तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी धरातल पर चले जाएगी और जो ऊंचाई उसे मिलनी चाहिए थी उसे नहीं मिल पाएगी। परिणाम स्वरूप समाज को और क्षेत्र को वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो उनका राजनीति में जाने से मिल सकता है।